हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग नॉट सेंडिंग। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करने जाते हो तो सेंड नहीं होता है, तब यहाँ पे क्या सेटिंग करना है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखना, चैनल सब्सक्राइब करना। सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको अपने स्क्रीन पे देखने मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, उस पर आपको क्लिक करके ओपन करना है। जैसी ऐप ओपन करेंगे, यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सएप सर्च करके उसे ओपन करना है। यहाँ पे स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको क्लियर डेटा लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है और अपने ऐप का डेटा क्लियर करना है। क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, दिस ऐप डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, दिस इंक्लूड फाइल सेटिंग डेटाबेस एंड अदर ऐप डेटा। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है और अपने ऐप का डेटा क्लियर कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप अपने ऐप का डेटा क्लियर करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप वो बिल्कुल न्यू और फ्रेश हो जाएगा और जो भी इसके बग्स थे वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ये है पहली सेटिंग जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का डेटा क्लियर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको गैलरी चेक करना है या फिर अपने मोबाइल में अननेसेसरी जो भी ऐप्स है या स्पेस है उसे थोड़ा कम करना है। स्पेस की वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है, गैलरी में कुछ भी वेस्ट चीज़ है उसको आपको डिलीट कर देना है या आपके पूरे मोबाइल में कुछ भी ऐसा वेस्ट है जो यहाँ पे है तो उसको रिमूव करना है, डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपके गैलरी में जब स्पेस रहेगा खाली और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके चालू करना है। उसके बाद जब यहाँ पे आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे और वॉइस मैसेज वॉइस रिकॉर्ड करके आप सेंड करेंगे तो इजीली सेंड हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार फिर से सारी सेटिंग रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ऐप का डेटा क्लियर करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में अननेसेसरी कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन है या कुछ भी होगा जो आपके मोबाइल में स्पेस बना रहा है तो उसको भी आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है और सबसे लास्ट में मोबाइल रीस्टार्ट करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि सेटिंग को फॉलो करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।